हे गाइज, वेलकम टू हिंदी मेट्रिक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे अमेजोन में ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं, यानी अमेजोन पर ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं, हाउ टू कैंसिल ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन। तो आप भी अमेजोन पर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दिए हैं, अब उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अमेजोन पर ऑर्डर कैंसिल कैसे करते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और आपने अभी तक हिंदी मेट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी ऐसे कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेजोन में ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, यानी अमेजोन पर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम अपना अमेजोन को ओपन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपना अमेजोन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना अमेजोन को ओपन कर लिए। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ पे आपको थ्री लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, या आप चाहे तो यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर ऑर्डर का, तो यहाँ पे हम योर ऑर्डर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप अमेजोन से जितना भी चीज़ ऑर्डर किए रहेंगे सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अमेजोन से जो भी चीज़ हम ऑर्डर किए हैं सारा चीज़ यहाँ पे शो हो गया है। तो जैसे ये शूज सबसे लास्ट हम ऑर्डर किए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सबसे फर्स्ट में ही शो हो रहा है, तो इसे हमें आप कैंसिल करना है। तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये हम आज के डेट में ऑर्डर किए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर टुडे लिखा है, और उसके नीचे है शिप, उसके नीचे है आउट फॉर डिलीवरी, उसके नीचे है डिलीवरी। तो जब भी ये चीज़ शिप होगा या आउट फॉर डिलीवरी होगा, सारा चीज़ पे यहाँ पे टिक लग जाएगा। तो इस तरह आप अमेजोन में ऑर्डर चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस भी शो हो जाएगा, और उसके नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का, और उसके नीचे सेकंड नंबर में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसिल ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करके फिर से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं हम जो ऑर्डर कैंसिल किया है तो वो हुआ कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम होम के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम होम के ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम योर ऑर्डर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम योर ऑर्डर का ऑप्शन पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है जो भी चीज़ें हम ऑर्डर किए थे तो वो यहाँ पे शो हो रहा था, अभी हम कैंसिल कर दिए हैं तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है। तो आप भी कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। अब जो भी चीज़ कैंसिल किए हैं उसे देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का। तो यहाँ पे हम फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसिल का। तो यहाँ पे हम कैंसिल का ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ आप कैंसिल कीजिएगा वो चीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये वाला शूज अभी हम कैंसिल किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ शो हो गया। तो इस तरह बहुत ही आसानी से अमेजोन में ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, यानी अमेजोन पर ऑर्डर किया हुआ सामान कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया ट्रिक के साथ।